बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकराज मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पकौड़ा प्लेटर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ, जिसमें हम चार किस्म के डिफरेंट पकौड़ों को रेडी करेंगे। इसमें चिकन पकौड़ा है, आलू का पकौड़ा, बैंगन का पकौड़ा और प्याज का पकौड़ा। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन पकौड़ा प्रिपेयर करेंगे। एक कप बेसन, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सूखी मेथी की ऐड की, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक आलू, 100 ग्राम चिकन और एक छोटा प्याज फाइन चॉप किया हुआ, थोड़ी सी पालक और 2 से 4 हरी मिर्चें फाइन चॉप की ऐड करेंगे। पहले इसको ड्राई फॉर्म में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके हम पकौड़ा का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब हम आलू प्याज और जो हमने प्याज के पकौड़े बनाए उसका बैटर रेडी करेंगे। बेसन, नमक, मिर्च, अजवाइन और ज़ीरा और सारी चीज़ों को हम पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा बैटर रेडी करेंगे, जिसमें हम तमाम चीज़ों को जो है ऐड कर फ्राई करेंगे। अब आपने आलू ले लेना है, इसको आपने छील के वॉश कर लेना है और ये देखें, इसको बिल्कुल पतले स्लाइसेस में आपने कट कर लेना है। इसी तरह से हम बैंगन के भी पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ही आपने इसके पतले स्लाइसेस कट कर लें, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्विकली और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, बहुत ही पतला आपने इसको इस तरह से कट कर लेना। उसके बाद नमक, अदरक, लहसुन, अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बैंगन को और आलू को, और इसको 10 से 15 मिनट्स का स्टे दे लेना है और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। सबसे पहले हम चिकन के पकौड़े फ्राई करेंगे। आपने प्री हीट कर लेना ऑयल को और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। आपने टेबल स्पून की मदद से पकौड़ों को ऐड करते जाना है और आपने इसको तब तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी जब तक कि आपको एक साइड इसकी कुक हुई ना लगे। जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी, उस स्टेज पर आपने इसको जो इसकी साइड चेंज कर ली और आपको इतने इसको क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना। बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बनकर फ्राई होते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से टेंडर। अब हम अपने बैंगन को, आलू को और प्याज को फ्राई करेंगे। जो बैटर हमने इनका रेडी किया था, उसके अंदर आपने इनको डिप करते जाना है और फ्राई करते जाना है। फ्राई जब आप करें तो आपने तब तक इसकी एक साइड को चेंज नहीं करना जब तक एक साइड फुली डन ना हो जाए। जब एक साइड फुली डन हो जाए, फिर आपने आहिस्ता से आपने इसकी जो साइड है उसको चेंज कर लेना है। दोनों साइड से इसको क्रिस्पी गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है, तो हमारे मज़ेदार बैंगन के पकौड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आपने आलू के पकौड़ों को भी बैटर में डिप करते जाना है और आपने फ्राई करते जाना है। क्रिस्पी गोल्डन होने तक इसको भी फ्राई करेंगे। आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसी ऑयल में अपने ऑनियन रिंग्स को फ्राई करेंगे। आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, आपके ऑनियन रिंग्स बनकर रेडी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी आज की रेसिपी देखने का आपका बहुत शुक्रिया। मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।